अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है क्लिप मास्किंग की क्लास। तो ये क्लास हमारी बिगनर सीरीज की क्लासेस में से ये 29th नंबर क्लास है, और इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा क्लिप मास्किंग क्या होती है, तो कैसे आप जो है ना शेप्स में क्लिप मास्किंग कर सकते हैं, और कैसे आप जो है ना टेक्स्ट में क्लिप मास्किंग कर सकते हैं। ये क्लास भी बाकी क्लासेस की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। 3-4 क्लासेस पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि मास्किंग क्या होती है। ये क्लिप मास्किंग उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि क्लिप मास्किंग बहुत ज़्यादा हम लोग एडिटिंग करते हुए या ब्रोशर्स बनाने के लिए या और भी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लिप मास्किंग की क्लास में जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो किस लिए यूज़ होता है, हम मास्किंग की क्लास में कि मास्किंग किस तरह यूज़ होती है, इसी तरह क्लिप मास्किंग भी हमारे पास इसी तरह ही यूज़ होती है, लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट है। क्लिप मास्किंग अलग चीज़ है और हमारे पास दूसरी मास्किंग, ये वाली जो मास्किंग थी ये अलग चीज़ है। तो अगर आपने मास्किंग की क्लास नहीं देखी, क्लासेस पहले मैंने मास्किंग की क्लास दी थी, तो आप उधर से जाके सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फॉर एग्जांपल मैं जो है इलिप्स ले लेता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने इलिप्स मैंने इधर ड्रॉ कर दिया। जब मैंने इलिप्स ड्रॉ किया तो ये वाइट कलर का था इलिप्स, तो इस वजह से वाइट कलर का है, तो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा हमारे पास कि हमारे पास कलर क्या आ रहा है। तो इसे मैं ऑल्ट डिलीट दबा के जो हमारे पास बैकग्राउंड है उसको मैं रेड कलर का कर लेता हूं, ताकि हमें समझ आए कि हमारे पास हो क्या रहा है। तो ये एलिप्स मैंने ले लिया है, और मैं चाह रहा हूं कि मास्किंग किस तरह यूटिलाइज होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है एक मैंने पाकिस्तान का एक फ्लैग ले लिया है, और मैं चाह रहा हूं कि यार ये फ्लैग जो है इस राउंड में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट ओवरऑल इसको फ्लैग को इतना कर लूँगा, और राइट क्लिक करके जैसे कि मैंने आपको समझाया था रेस्टराइज लेयर कर लें। अगर आप इसको एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप इसको रेस्टराइज कर लें। रेस्टराइज मैं कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, और इसका साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ। जब मैं इसका साइज़ छोटा करूँगा तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा और इस तरफ मैं कर लेता हूँ, और मैं इतना साइज़ को कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, और फिर मैं इसको दोबारा ऊपर ले जाता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने क्लिप मास्किंग क्या चीज़ है, क्लिप मास्किंग से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो अभी आपको नज़र आ जाता है। मैं जस्ट आल्ट प्रेस करूँगा, आल्ट जब प्रेस करूँगा तो ये ऊपर वाली जो लेयर होगी इसके ये डाउन पे जाके मैं आल्ट प्रेस करूँगा, ये आप देख सकते हैं कि एरो हमारे सामने आ रहा है। जस्ट मैं एक लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये जो है क्या फ़र्क पड़ेगा, ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली के साथ मर्ज हो जाएगी, और जहाँ जहाँ वो सर्कल था उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर आप इसको फ्लैग को चेंज भी करना चाह रहे हैं इसके तो उसको, तो आप जस्ट कंट्रोल टी दबाएंगे और इसकी जस्ट मोशन को आप चेंज करेंगे। लिटिल बिट मैं मोशन चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो बैच होता है सिंपल सा, 14 अगस्त का हम बैच बनाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि 14 अगस्त के बैच की तरह सेम टू सेम ये चीज़ बन गई है। इसके अलावा अगर कोई आप इमेज पे नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि यार हमारे पास बॉक्स ये ओवरऑल इलिप्स है, और हम मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इस पे ना करूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको दूसरी लेयर्स में करके दिखाता हूँ कि मैं इसको वो एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इस पर मैं ये डार्क ब्राउन कलर करूँ। तो ये जब डार्क ब्राउन कलर करूंगा तो ये आप देखें बाहर हो रहा है, लेकिन जब मैं आल्ट प्रेस करके करूंगा तो ये इसके अंदर होने शुरू हो जाएगा। उसके अलावा डिफरेंट शेड्स आप देने के लिए चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और अगर आपने जो है ना फेस पे काम कर रहे हैं या किसी भी एडिटिंग पे काम कर रहे हैं तो ये क्लिप मास्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ना इसको ईजिली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये सिर्फ एक इमेज पे नहीं होता, आप 3-4 इमेजेस भी एक साथ आप लेके आएंगे उसको भी इकट्ठे आप क्लिप मास्क कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये 3 इमेजेस मैं एक साथ ले आता हूँ। साइज मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा इसका, इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर दूंगा, और इसका साइज भी छोटा कर दूंगा। ये तीनों को पकड़ के मैं रेस्टराइज लेयर कर दूंगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं चाहूंगा कि नीचे वाले के हिसाब से क्लिप मास्क हो जाए तो ये हो जाएगी, इसको मैं करूंगा तो ये भी हो जाएगी, इसको मैं करूंगा तो ये भी हो जाएगी। ओवरऑल ये हमारे पास क्लिप मास्क हो गई है, तो ये तीनों क्लिप मास्क हो गई हैं। लेकिन जब जो ही हम लोग इससे बाहर जाएंगे सर्कल से तो ये हमें नजर नहीं आएंगी, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि तीनों को मैं एक साथ मैं देख सकूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
मैं उसके साइज थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दूंगा कि यार ये इस तरह आ जाए, ये इस तरह आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें इकट्ठे एट द सेम टाइम क्लिप मास्क होके हमारे सामने आ गई हैं, ये एक शेप पे आई हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट है तो हम चाह रहे हैं कि यार टेक्स्ट में हमारे पास क्लिप मास्क यूज़ होगा, तो वो कैसे यूज़ होगा? तो आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो मैं इसको एक न्यू लेयर बना लेता हूँ दोबारा से, और इस पर मैं ब्राउन कलर कर लेता हूँ, ऑल्ट डिलीट दबाऊंगा, जो हमारे पास फोरग्राउंड कलर होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। और अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं टेक्स्ट में ये क्लिप मास्किंग यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह करूँगा? फॉर एग्जाम्पल मैं इधर सी लिखता हूँ, SELC, और मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ और एरियर और बोल्ड कर देता हूँ इसको। जब मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगा शिफ्ट प्रेस करके और को ड्रैग करके, ये आप देख सकते हैं ये मैंने सी लिख लिया है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये सी वाली इमेज पे ये ओवरऑल आ जाए। तो उसके लिए जस्ट मैंने इस पे जाना है और इसको मैंने एडजस्ट कर देना है, राइट क्लिक करके इसको रेस्टराइज कर लेना है, और जस्ट ऑल्ट प्रेस करके इस तरह करूँगा तो ये हमारे पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। उसके अलावा ये जो आपने क्लिप मास्किंग बना ली है, तो अगर आप चाह रहे हो कि अगर ये सबको मैंने इकट्ठे यूटिलाइज करना है, तो आप इकट्ठे भी कर सकते हैं। आप इनको कंट्रोल जी करके एक ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप बना के यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इजीली इसको मूवमेंट कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जी मैं करूँगा कि इसका ग्रुप ख़त्म हो जाए। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ग्रुप नहीं मैंने बनाना, तो आप इसको ओवरऑल सिलेक्शन करके इसको राइट क्लिक जस्ट आप करोगे तो आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रही होगी स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जिस तरह मैंने आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लास्ट क्लास में समझाया था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ होती है कि जब उस पर डबल आप क्लिक करते हैं ये लेयर ओपन हो जाएगी और आप आराम से चेंजेस उसमें कर सकेंगे। हमारे पास और भी ऑप्शंस आ सकती हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि दो इमेजेस आ जाएँ सी के साथ, या मल्टीपल इमेजेस हमारे सामने आ जाएँ, वो आप कैसे लेके आएंगे? मैं इन दोनों को हाइड कर लेता हूँ, ये मैं दोनों को हाइड कर लेता हूँ और मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। न्यू लेयर पर मैं फर्ज करें मैं इसको लिख देता हूँ मल्टीपल इमेजेस लिख देता हूं और जस्ट मैं इसको साइज में बड़ा कर देता हूं। तो हमारे पास जितनी भी इमेजेस हैं हम उनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इनके साथ ही। फॉर एग्जांपल ये तीन इमेजेस थी हमारे पास, मैं ये तीनों दोबारा ले आता हूं और ये इस बार मैं लेके आ रहा हूं अपने टेक्स्ट पे उसको यूटिलाइज करने के लिए लेके आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार इतना जो एरिया है उस पर ये वाली इमेज आए, और सेकंड वाला इतने एरिया पे ये वाली इमेज आए, और थर्ड जो हमारा एरिया है और उसमें हमारे पास ये जो बकाया एरिया बच गया है उसमें ये वाली इमेज आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओवरऑल इसको सिलेक्शन करके रेस्टराइज लेयर कर दूंगा ताकि हमारे पास इमेज का साइज छोटा होके आ जाए। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा और ऑल्ट प्रेस करके डाउन पे करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके डाउन पे करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं मल्टीपल इमेजेस हमारे सामने एक ही में बन के आ गई हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ जल्दी काम मुकाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो टेक्निक भी आपको समझाता हूँ जो कि जल्दी काम मुकाने के चक्कर में होता है, लेकिन हम लोग जो है ना अगर हम चाहेंगे उस तरह भी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आप उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट का मतलब कि इस तरह मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो कोई भी चीज़ कोई भी जगह मैं आराम से उस इमेज की इस चीज़ पे ला सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा कि हम मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। मैं इसको ओवरऑल हाइड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इमेज ये हमारे पास आ गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो हमारे पास इमेज है ये ओवरऑल इसमें आ जाए, मल्टीपल इमेजेस में। ओवरऑल मैं इसको सिलेक्शन कर लूँगा, राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर कर लूँगा, और जस्ट मैं इस पर कंट्रोल प्रेस करके जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। कंट्रोल जे मैं करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, मैं इमेज को हाइड करके आपको दिखा सकूँ तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गई है। और नीचे मैं टेक्स्ट भी हाइड कर लूँ तो मैं आपको दिखा सकूँ तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया। लेकिन इसमें ये नुकसान होता है कि हम लोग जो है इसको मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट करेंगे तो ओवरऑल मूवमेंट होगी, लेकिन हमारे पास इमेज में अगर हम एडजस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ भी आपको डिफिकल्ट लग रही है तो आप क्लिप मास्किंग के थ्रू ही करें, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है कि आपने किस तरह किसी चीज़ को यूटिलाइज करना है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ये इमेजेस हैं
और आप चाह रहे हैं कि क्लिप मास्किंग, फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि हम ऑल्ट के थ्रू क्लिप मास्क नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास दूसरी ऑप्शन भी मौजूद होती है, तो ये आपके पास क्लिप मास्क की ऑप्शन दे रहा होगा। जस्ट आपने इस पे राइट क्लिक करना है, तो क्रिएट अ क्लिप मास्क, क्रिएट अ क्लिप मास्क जब आप करेंगे तो ये ओवरऑल आपके पास क्लिप मास्क बन के आ जाएगा। अगर आप इसको कंट्रोल टी करेंगे तो आप इसको आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि किसी भी इमेज पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी टेक्निक है क्लिप मास्किंग की। तो काफ़ी लोगों को मुश्किल बनती थी कि क्लिप मास्किंग हमने कैसी करनी है, तो ये थी ये क्लिप मास्किंग की क्लास। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और इसके अलावा अगर आपने हम मेरी प्लेलिस्ट पे जाके मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इलस्ट्रेटर सीखें। इलस्ट्रेटर की फुल क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अब मैं फोटोशॉप की कर रहा हूँ, फोटोशॉप की ये 29th नंबर क्लास है, तो 4-5 क्लासेस रह गई हैं। तो उसके बाद मेरा ये प्लान है कि मैं फाइवर पे काम करना सिखाऊं, उसके बाद ऑनलाइन जो हमारे पास फ्रीलांसर्स आता है, उसके बाद अपवर्क आता है, सब में मैं ऑनलाइन काम करना सिखाऊंगा। क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक सीक्वेंस बन जाए, सॉफ्टवेयर पहले आपको सिखाऊं, फिर उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन अर्निंग का तरीका भी सिखाऊं। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर आना बहुत ज़रूरी होता है, टेक्निक्स तो बंदा सीखता रहता है, सॉफ्टवेयर आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो जस्ट आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। आप मुझे ग्रुप में जो है ओवरऑल पोस्ट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको डायरेक्टली मैसेज करके या जो है ग्रुप में ही आंसर देके आपको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स। मेरे ग्रुप का नाम है आर्टिस्टिक मेंटोर, जो कि मेरे सेम चैनल का नाम है। आप ज्वाइन करें हमारे ग्रुप को, ताकि जो है एक कम्युनिटी बन जाए हम लोगों की, और जो है ना ज़्यादा सीखने में भी आपको मज़ा आए और मुझे सिखाने में आपको मज़ा आए। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे मस्ट क्लिक करें, ताकि आपको तमाम ट्यूटोरियल्स की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाब दें उसको, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।